सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट देखिए आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट भारत के एक जो है, इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ स्टेट। आर्टिकल 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 53 को देखते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि प्लान्स और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना। आर्टिकल 53 कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट बट ही शैल एक्सरसाइज दोज पावर्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस गिवन बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल जो उनको सलाह देगा वो मानेंगे। आर्टिकल 74 भी यही कहते हैं कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस। उस एडवाइस को मानते हुए ही वो काम करेंगे। इन दो आर्टिकल से क्लियर है कि इस एडवाइस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल कंकरेंस है, ये केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है कि सर ऐसा कर लीजिए, वो कहेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी जी ने कहा दिस एडवाइस इज बाइंडिंग। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मानेंगे। उन्होंने देखिए, इंदिरा गांधी जी ने तो जो किया है वो आप सब जानते ही हैं। उन्होंने 24वां संशोधन किया 1971 में, 24वां संशोधन किया और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति के पास ताकत ही नहीं है कि उसको वापस करे या इधर उधर करे, उस पे ही मस्ट गिव हिज असेंट, उन्हें अपना साइन करना ही पड़ेगा। 1976 के अंदर 42वां संशोधन लाए कि बाइंडिंग है जी एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एडवाइस दे दी बस। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए 1978 के अंदर, जनता पार्टी गवर्नमेंट में मुरारजी भाई देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने काफी कुछ बदला। उन्होंने कहा द प्रेसिडेंट इसमें कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर द एडवाइस, हाउ एवर ही शैल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस इफ ही गेट्स द सेम आफ्टर रिकंसिडरेशन। अगर रिकंसिडर करने के बाद, एक क्लोज जोड़ दिया गया इसमें रिकंसिडरेशन, कि एक बार राष्ट्रपति महोदय कह सकते हैं कि एक बार आप इसको सोच लीजिए। जैसे एक बार KR नारायणन जब भारत के राष्ट्रपति थे तो उनको कहा गया कि आप यूपी में कल्याण सिंह गवर्नमेंट को गिराइए, 356 लगाइए। उन्होंने रिकंसिडर करने को कहा और रिकंसिडर करके उन लोगों ने ड्रॉप कर दिया कि सर रहने दीजिए, मत कीजिए, तो उन्होंने नहीं लगाया। ऐसे ही एक बार बिहार में राष्ट्रपति शासन की बात हुई तब भी रिकंसिडर हुआ, लेकिन फिर काउंसिल ने कहा कि नो सर प्लीज इम्पोज आर्टिकल 356, तो उन्होंने फिर किया। ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के पास ताकत तो सारी है, केंद्र की सभी शक्तियां, केंद्र के सभी एग्जीक्यूशन उन्हीं के नाम पर होंगे, लेकिन राष्ट्रपति 53 में भी कहा और 74 में भी कहा कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर वो काम करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब भी हम प्रधानमंत्री के बारे में जब पढ़ेंगे तो उनका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपको मैं एक बात बता दूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड होगा केवल कैबिनेट। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट है, वो हम देखेंगे 44th में, बाद में देखेंगे, इसको भूल जाइए कि क्या है ये। एक बार आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात आती, प्रेसिडेंट के पास ये सब बातें हैं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है कि किस तरह से उनका इलेक्शन होगा, वो सब बातें यहां पर की जाती हैं। मेन बातें क्या है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके पास 50 सब्सक्राइबर्स, 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। देखिए ये काम 1997 में किया गया, उससे पहले आपके पास
बीस बीस की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद क्या था कि 50 लोग आपका नाम प्रपोज करें और 50 लोग अनुमोदन करें कि हाँ जी हम इनके साथ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 का। वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये 20-20 प्लस 15,000 ही है वहां पर भी सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है जी, आरबीआई के पास ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है कि 1/6 वोट्स अगर आप नहीं ला पाए तो ये सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है। अब प्रेसिडेंट की पावर्स को देखते हैं, क्या क्या पावर्स उनमें उनको दी गई हैं। हालांकि अकॉर्डिंग टू एडवाइस ही वो काम करेंगे, खासकर हम ध्यान यहाँ पर ध्यान देंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पर, हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं, हम वन बाई वन करके सारी पावर्स समझते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि एग्जीक्यूशन की पावर्स, आर्टिकल 53 में भी आपने देखा कि सेंटर की सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति के नाम पे होंगी, सभी ऑर्डर्स पर राष्ट्रपति का ही नाम आपको दिखाई देगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड टू इशू दिस ऑर्डर, और जो भी बातें हैं सेंटर में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के या किसी और प्रपोजल को लेकर के वो सब प्रेसिडेंट के पास होंगी। साथ ही साथ प्रेसिडेंट लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की गुड गवर्नेंस के लिए, किसके लिए, गुड गवर्नेंस के लिए लॉ बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, रूल्स। और इन रूल्स में इनकी लेजिस्लेटिव पावर में भी काउंट होगा कि इन रूल्स की वही पावर होगी जो पार्लियामेंट के एक्ट की पावर होगी। सारी मेजर अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स में ही काउंट होती हैं। आपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट, सीजीआई की अपॉइंटमेंट, आपने जो देखा जाए इलेक्शन कमीशन के और ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, ये सब मेजर अपॉइंटमेंट प्रेजेंट की जाती है, लेकिन प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, यानी कि गवर्नमेंट एक बना करके इनके पास भेजती है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल प्लीज टू इशू द फॉलोइंग ऑर्डर्स, और उस सब के ऊपर प्रेसिडेंट को साइन करना होता है। सिंपल इतना सा है। लेजिस्लेटिव पावर्स में देखिए क्या क्या है। लेजिस्लेचर से रिलेटेड इनके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि कोई भी लॉ तब बनेगा, यानी कि कोई भी बिल, एक एक्ट तब बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। यहां पर आपके पास एक और हेडिंग में बना करके डाल देता हूं, वीटो पावर्स, कि इस पर मना भी किया जा सकता है, वो हम देखेंगे कैसे किया जा सकता है। लेजिस्लेचर में देखा जाए तो प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं किसी भी हाउस को या दोनों हाउसेस को एड्रेस कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कोई बिल, कोई मैटर उनके पास है और वो मैटर हाउस में पहुंचा सकते हैं, वो हाउस पर डिपेंड करता है वो डिस्कस करे या ना करे। प्रेसिडेंट असेंबली को यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री उनसे इस बात की बात करें, यानी कि कैबिनेट उनको ये कहे। ठीक है, मिलिट्री पावर्स, प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, तीनों आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स में एक बात इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट, अगर आपको कोई भी मनी बिल लेकर के आना है, मनी बिल, तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन आपके पास होनी चाहिए, पहले परमिशन आप उनसे लेंगे। साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन, हर 5 साल में प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन की गठन करते हैं और वो अकाउंट्स को चेक करता है, वो फेडरल प्रिंसिपल्स को चेक करता है कि क्या गवर्नमेंट सही तरीके से अपने ग्रांट्स वगैरह जो भी सब बातें वो सही फेयरली काम कर रही है या नहीं कर रही है, उस सब की बातें आती हैं। पार्डनिंग पावर्स इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। देखिए 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति पर कि एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपके पास 8 पॉइंट एक्सप्लेन करने को होंगे। पार्डनिंग पावर्स में कहते हैं कि पार्डन कर दें, पूरी सजा माफ कर दें किसी की। ठीक है, रेस्पाइट कर दें, यानी कि सजा जो है उसकी फॉर्म बदल दें, रिप्राइव कर दें। देखिए सजा की फॉर्म बदली जाती है, यहां पर सजा वही रहेगी, सजा का टाइम वही रहेगा। रिप्राइव,
रिप्राइव का मतलब होता है एक टेम्पररी स्टे कि इस टाइम पे आप दूसरी जो है वो ले लें उनसे। कम्यूट स्टे है यानी कि टेम्पररी स्टेट लगा दी जाती है उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पे ताकि आप किसी और के तहत यहां पर करें। कम्यूट, कम्यूट का मतलब है कि आप आपकी सजा जो है उसको कम कर दिया जाएगा, मतलब उसका नेचर नहीं बदला जाएगा, टाइम बदल देंगे, 2 साल की थी तो 1 साल की कर देंगे। यहां पर नेचर बदल दिया जाता है कि रिग्रेस है तो उसको सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिया जाता है। अब आती है डिप्लोमेटिक। देखिए सबसे पहले एक बार डिप्लोमेटिक देख लेते हैं, फिर 2 इंपॉर्टेंट पावर्स आती हैं। डिप्लोमेटिक पावर क्या कहती है कि भारत की बाहर के यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं देश दल साइन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। हालांकि आपको बता दूं कि बाहर जितनी भी ट्रीटीज आप करके आते हैं उन पर पार्लियामेंट की सहमति होना जरूरी है और पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी सरकार के पास होती है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 इसकी शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। अब देखिए आर्टिकल 123 क्या कहता है कि जब ऑर्डिनेंस को लाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब हम ऑर्डिनेंस को देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ऑर्डिनेंस के लिए। आर्टिकल 123 कहता है ऑर्डिनेंस के लिए सबसे पहली कंडीशन है पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज अगर सेशन में हैं, दोनों हाउसेज उस समय वर्किंग हैं, तब ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। एक हाउस है तब ला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डिनेंस यानी कि एक टेम्पररी लॉ है। ये क्या कहता है, इसकी लाइफ देखिए, इसकी लाइफ नॉर्मल लाइफ कितनी है, 6 मंथ्स, और मैक्सिमम 6 मंथ 6 वीक्स, 7.5 महीने के आसपास। देखिए मान लीजिए संसद नहीं है उस समय, अगर संसद उस समय नहीं है कार्य में, दोनों हाउसेस कार्य में नहीं है किसी अर्जेंट मैटर पर, देखिए अब ये जो वर्ड है अर्जेंसी, लोकसभा के अंदर लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं वो कहते हैं कि 6 महीने में, आपको पता है कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा ऑर्डिनेंस 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस काम में बना रहे तब आपको पार्लियामेंट से उसको पास करवाना होता है रिक्वायर्ड मेजोरिटी से, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा सेज कि आपने ऑर्डिनेंस को जब लाया लोकसभा में कि जिसको पास किया जाए तो आपके पास होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP कि आप क्यों लाए, ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि आपको ये लाना पड़ा, ये आपको अलग से देना होगा। दोनों हाउसेज इसको पास करें, ये 6 वीक का गैप है कि मान लीजिए ऊपर नीचे हो जाता है तो सेकंड हाउस से कि जब दूसरा हाउस, मान लीजिए पहला हाउस पहले सेशन में आ गया और गैप है दूसरे में, तो जब दूसरा सेशन में आता है तब से काउंट किया जाएगा, तो मैक्स टू मैक्स 6 वीक्स तक इंक्रीज हो सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में एक और बात यह भी है कि केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स पर जिस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट किस पर लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है, केवल इन्हीं पर ही ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस के साथ एक और बात यह भी है कि रिपीटेड ऑर्डिनेंस ना लाएं आप। रिपीटेड ऑर्डिनेंसेज ला करके बहुत नुकसान होता है। देखिए मान लीजिए आपने कहा ऑर्डिनेंस लाए, फिर ऑर्डिनेंस को पास नहीं करवाया, ऑर्डिनेंस खत्म हुआ फिर ऑर्डिनेंस ले आए, फिर ऑर्डिनेंस ले आए, तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको ये देना पड़ेगा, पर्पज आपको देना पड़ेगा कि आप बिना टेक्स्ट को चेंज किए, बिना कुछ उसमें बदलाव किए, अगर आप उसको पार्लियामेंट से बिना पास करवाए बार बार ऑर्डिनेंस ला रहे हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि 1967 से लेकर के और 1981 के बीच यानी कि इन 14 सालों में 256 ऑर्डिनेंसेज लाए गए बिहार के गवर्नर के द्वारा। बिहार के गवर्नर ने 256 ऑर्डिनेंसेज जो है उस समय जारी कर दिए। तो इस समय ये बात आई कि ऐसे नहीं बार बार आप उसको पास अपनी इंटेंशन में इसको लाएं। साथ में एक इंपॉर्टेंट क्लोज,
एडवाइस। पार्लियामेंट सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही ऑर्डिनेंस लिया जा सकता है और उनकी सलाह पर ही ऑर्डिनेंस को वापस लिया जा सकता है। ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए कोई भी टाइम नहीं है, किसी भी समय आप ऑर्डिनेंस को वापस कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के साथ वीटो पावर सब इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। वीटो पावर्स देखते हैं, अब हम प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स देखते हैं। देखिए चार तरह की वीटो होती है, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव, एब्सोल्यूट एंड पॉकेट वीटो पावर्स। चार तरह की वीटो है। यूएस के केस के साथ कंपेयर करते हैं जरा। मान लीजिए संसद ने एक बिल पास किया और संसद ने उसको 50% बहुमत से पास किया है, 50% मेजोरिटी, यानी कि एक सिंपल मेजोरिटी से पास किया, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास किया, राष्ट्रपति के पास पहुंचा। राष्ट्रपति के पास जैसे ही बिल आता है, एज सून एज द प्रेसिडेंट रिसीव्स द बिल, आर्टिकल 111 क्या कहता है? आर्टिकल 111 कहता है तीन स्थितियां हो सकती, असेंट, विदहोल्ड, रिकंसिडरेशन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। आर्टिकल 111 कहता है कि या तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे कि ठीक है बना लो, ठीक है। राष्ट्रपति सहमति देने से ना कर दे, राष्ट्रपति कह दे कि मैं सहमति नहीं दूंगा, मतलब एब्सोल्यूट वीटो, ये अपने आप में कनेक्टेड है। जैसे ही राष्ट्रपति ने कहा कि मैं वीटो नहीं, मतलब मैं इसको पास नहीं करूंगा, ना है मेरी, दैट मींस ही इज यूजिंग एब्सोल्यूट वीटो। और भारत के राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो है। कैसे है? अगर वो बिल किसी प्राइवेट मेंबर ने लाया है, प्राइवेट मेंबर, याद रखिएगा प्राइवेट मेंबर कौन है? रूलिंग पार्टी का मेंबर भी प्राइवेट मेंबर होता है। एनी अदर पार्लियामेंटेरियन एक्सेप्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर बिल को संसद के द्वारा पास करे बिल को भी राष्ट्रपति एब्सोल्यूटली नो कह सकते हैं। दूसरा, किसी स्टेट के गवर्नर के पास भी ऐसी ही सिचुएशन बनती है। उनको जब बिल पास करना होता है तो आर्टिकल 200 आता है। आर्टिकल 200 गवर्नर से रिलेटेड है, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। आर्टिकल 200 गवर्नर से रिलेटेड है। गवर्नर के पास चार कंडीशंस हैं। गवर्नर असेंट दे दे, यानी कि हाँ कर दे, गवर्नर मना कर दे, गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, और गवर्नर उसको क्या कर ले, प्रेसिडेंट के पास भेज दे कि जी आप इस पर देखें क्या किया जाना चाहिए। याद रखिए कि रिकंसिडरेशन के लिए कभी भी मनी बिल को नहीं भेजा जा सकता, यहां भी नहीं भेजा जा सकता स्टेट लेजिस्लेचर में। प्रेसिडेंट के पास जैसे ही बिल को रिजर्व कर लिया कि नहीं मैं इस पर राष्ट्रपति जी से बातचीत करूंगा और मैं उनसे जानूंगा, जैसे राष्ट्रपति को बड़ा पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अब राष्ट्रपति के पास जब ये बिल आता है तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 201 आ जाता है। आर्टिकल 201 देखिए कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्टिकल याद करने में बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा आसान है। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की बात करता है, 200 कहता है कि गवर्नर के पास चार स्थितियां हैं। गवर्नर ने यहां भेज दिया तो आर्टिकल 201 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास क्या स्थिति बनती है। प्रेसिडेंट फिर तीन स्थितियों में है, असेंट, विदहोल्ड और रिकंसिडरेशन। लेकिन कंडीशन समझिए, रिकंसिडरेशन के लिए आपने ये तीन स्थितियां यहां थी, ये 111 में है, प्रेसिडेंट ने ना कर दिया, एब्सोल्यूट वीटो बन गया। प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, मान लीजिए हाउस में फिर भेज दिया, और हाउस ने सेम मेजोरिटी से, वो खुद बढ़ा दे वो बात अलग, लेकिन सेम मेजोरिटी से, कोई प्रोविजन नहीं है कि बढ़ाकर ही भेजा जाए, सेम मेजोरिटी से वापस भेज दिया कि लो जी, देन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन। अब प्रेसिडेंट को असेंट देना होगा। दिस इज नोन एज सस्पेंसिव वीटो। व्हेन द प्रेसिडेंट इज
bound to sign to pass the bill without requiring any higher majority. Qualified क्या कहती है? Qualified connected है, suspensive और qualified. Qualified कहती है कि सिंपल मेजोरिटी से लाए थे, प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया, तो आपको अब टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए, यानी कि अब आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा. एंड दिस इज नोन एज क्वालिफाइड वीटो, कि राष्ट्रपति को अगर आपने साइन करने के लिए बाध्य करना है तो पहले जितनी मेजोरिटी से भेजा था उससे ज्यादा मेजोरिटी से जब भेजेंगे दैट कम्स अंडर क्वालिफाइड वीटो. ये सस्पेंसिव होता है, ये क्वालिफाइड. भारत के राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है और अमेरिका में क्वालिफाइड वीटो है. ये सिचुएशन बन गई. अब मान लीजिए रिकंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति जी ने भेज दिया, वो मना कर सकते हैं, डायरेक्ट मना कर दिया, एब्सोल्यूट में काउंट हो गया. लेकिन रिकंसिडरेशन लेजिस्लेटिव असेंबली के पास गया, असेंबली ने फिर पास करके भेज दिया, राष्ट्रपति तब भी ना कर सकते. तो एब्सोल्यूट वीटो इन केस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल एंड एब्सोल्यूट वीटो इन केस ऑफ स्टेट बिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट सर. नाउ पॉकेट वीटो इज इंपॉर्टेंट. पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति अमरीकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर है. पॉकेट वीटो का मतलब है टेकिंग नो एक्शन. टेकिंग नो एक्शन, बिल आया, आर्टिकल 111 कहता है कि बिल पे या तो हां भरो या ना कर दो या रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो. इंडियन प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ ना करे, वो सिंपली उसको अपने पॉकेट में रख ले, माने उस बिल पे कोई एक्शन ही ना ले. दिस इज नोन एज पॉकेट वीटो. एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि 1976 के अंदर इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट आया, 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट आया. राजीव गांधी जी की सरकार बिल लेकर के आई, दोनों ने पास किया बिल, एक्ट नहीं बिल. 1986 के अंदर इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आता है, राजीव गांधी जी की सरकार थी, 412 का बहुमत लोकसभा में भी था, राज्यसभा में भी बिल को पास किया गया. अमेंडमेंट में क्या था कि अब सरकार आपकी चिट्ठियां पढ़ सकती थी. राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया. 1989 में इलेक्शन होते हैं, 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह और नए राष्ट्रपति बनते हैं आर वेंकटरमन. नई लोकसभा के सामने, नई काउंसिल के सामने बिल रखते हैं कि आप इस बिल को पास करना चाहते हैं. नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट कहते हैं नहीं जी, हम नहीं चाहते. बिल गिर जाता है. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉकेट वीटो. अमरीकी राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो नहीं है. अमरीकी राष्ट्रपति को विद इन 10 days रिकंसिडरेशन के लिए भेजना होगा और क्वालिफाइड वीटो से आ गया. दैट मीन्स द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल. यह हमने वीटो पावर्स भी देखी प्रेसिडेंट की. केवल इतना ही, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपसे पूछ लेगा, प्रेसिडेंट की पावर्स पूछ लेगा. एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन रिलेशन विद किंग या आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट, इनसे कंपेयर करवा लेगा तो आपको सब पता है. आप लिख देंगे कि जी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यूएस में डायरेक्टली इलेक्टेड होता है. आप लिख देंगे जी क्वालिफाइड वीटो नहीं है, वहां क्वालिफाइड वीटो है. आप लिख देंगे हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. अमेरिकन प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों है. आप यहां पर लिख देंगे कि पॉकेट वीटो का स्कोप ज्यादा है, वहां पॉकेट वीटो का स्कोप बहुत कम है. वहां सस्पेंसिव वीटो नहीं है, यहां सस्पेंसिव वीटो है. आप इस तरह के पॉइंट लिख सकते हैं. प्रेसिडेंट यहां फिनिश होता है. अब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि क्या वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में.